राम सबको, कैसे आप सब? और उम्मीद है बढ़िया होंगे। आपने कभी तरबूज को तरबूज काटते हुए देखा है? नहीं देखा ना? और हम दिखाते हैं आपको। ऐ चको भाजी, ऐ तरबूज, ऐ रे तरबूज, दो दो तरबूज एक दूजे को बढ़ते पे ने पाइन आ लिया इसी। हो गए दो तीन दिन हो गए। हाँ, पर स्वाद तो 2 दिन तो हो ही गए। काटने का मुहूर्त नहीं निकलता भाई, आलसी है नहीं समझ। हाँ, यही काटता है तरबूज। मीठा है, लाल है तरबूज, लाल है, थोड़ा बहुत चिट्टा भी है बीच बीच में। ठाकुर जी को भी भोग लगा दे। अब भोग तो भाई तूने लगा दिया, पहले तू ये बता, तूने तो खा लिया। हाँ, पहले उनका निकाल ले हमने, पहले ठाकुर जी को चलो भोग लगा देते हम। जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम राधे राधे। चको माता जी, देखें मीठा है। फुल शायद लिखा तो है, यही चलना हो गर्मियाँ। अब रोटी खाई भी नहीं जानी ज़्यादा, माता जी कहते रोटी दिल नहीं करता रोटी खाने का। अब ठंडिया ठंडिया चीज़ें पीन का जी करता, लाइक शिकंजी वगैरह खा लो, संतरे वगैरह, खरबूजा, तरबूज भाजी, रूह खुश करती भाजी। ठंड पा जी है। चलो चलो रोटी फिर अब थोड़ी बहुत तो खानी है पाजी स्नैक्स में। रोटी तो खा दी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। 6 दिन का नाश्ता हो गया, रात के चौल पे तेरे नाल तरबूज है भाई। 6 दिन डाइट पे है। खाना तो हैगा नहीं भाई, ऐवी बस तरबूज ऐवी फुले हुए है। सानू ना ये हम जैसे लोग हो ना, पानी पानी भी लग जाता है। हमारी गलती कोई नहीं है, हम तो बदनाम ऐसी है। हमें पानी भी लग जाता है, उसलिए वो पानी फूल जाता है, फुला देता है हमें, और क्या, हमारे ढेर निकल जाते हैं। अब देखो पानी भी पीन दे भी को। हाँ है मिठा, लेकिन पर नेचुरली देखो की करता है। गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका है और रात को इतनी डिश होगी कि हमें मतलब पोहे की जरूरत ही नहीं पड़ी नाश्ते में। यही पूरी होगी, शिमला मिर्च ये भी अभी पड़ी हुई है, और एक हमने वो गोभी आलू का भोग डाला है जाके, हमने उसकी एक एक रोटी बना ली मैंने और माता जी ने। तो अब हम ठूस लेते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो गाइस नहा के हो गए हम रेडी, और 3:15 हो चुके हैं, आगे जैसे कि 10 मिनट खड़ी, और आज थोड़ी बियर्ड वगैरह भी सेट करी, ट्रिम वगैरह करी। कालू से मिले हैं, बहुत दिन हो गए, कालू का इंटरव्यू नहीं लिया हमने, तो चलते हैं। लेंटर भी टूट गए यहाँ से। मैं क्या बड़े दिन बाद आया, लास्ट टाइम पर तुसी मिले सी जब गेट विखाया सी मैं इधर, उस तो बाद फिर होए चक्कर ही लग गया। आज आया मैं बड़े टाइम बाद, मैं क्या जरा विखा के ये ऑडियंस में, इधर फर्श टूट गया पूरा, लेवल हो जाएगा वधिया। पानी पा के मजबूती कर रहे अभी। देखो पानी तराई हो नहीं, तराई मेरे ऊपर डाल देना अंकल, मैं अभी अभी ना क्या है यार, दोबारा मिला दो भाई। क्या हाल है और कैसे हो? राधे राधे जी, राधे राधे। कालू जी तो मिले नहीं, कालू जी तो नहाने गए थे, हम वैसे ही दिखा दिया थोड़ा बहुत। आज हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम भैया जा रहे हैं आईफोन की डीलिंग कराने, आईफोन की धोई कराने और क्या। और मन्नू भाई के मोबाइल की बैटरी रहेगी 97, बताओ यार। नहीं मैं लोगों को बता रहा ना, देखो दिसंबर में लिया, मतलब कि ये कब लिया मैंने, 18 दिसंबर को, 18-19 दिसंबर की मैंने वो है देखी थी वारंटी तेरी, तो बता मतलब कि 2-3 महीने में 97% होगी। क्या होगा? मैं तो लोगों को बता रहा कि सोच समझ के लेना, आईफोन में बैटरी का चक्कर बहुत है भाई, पता नहीं क्या अनशन चलती है भाई, परसेंटेज। अब क्या होगा? जब से अब चलाते रहो, पूछेंगे उससे सेंटर, तो एक बार पूछेंगे उनसे कि भैया ऐसे क्यों, मतलब एक बार पता तो करें क्या दिक्कत है। आज एप्पल का दफ्तर ऊपर ही भाई, आराम नाल चलो, अंधेरा बड़ा कितना एप्पल हो जाए भाई, ओ पाए ना ये तो रश ही बड़ा ही। तो गाइस इधर इधर पा, उधर चांदना, अच्छा उधर चांदना, चलो देख लेते हैं। भैया तो कह रहे
दिसंबर में लिया था तो 97 होगी, कह रहे ऐसे ही होता है गिर जाती है। मैं कहा मेरी तो नहीं गिरी, अक्टूबर में लिया था जाके 98 हुआ मेरा, मतलब 99 हो गया था मेरा मार्च में, बट 10 दिन पहले हुआ 99 मेरा, पता नहीं सारा कह रहे जब तक 79 नहीं होने का तो बैटरी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, ऐसा सर्विस सेंटर का कहना है एप्पल वालों का कि जब तक 79 ना हो तब तक एप्पल के फ़ोन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लो गाइस कोला भी ले लिया है हमने, कोला हाँ कोई नहीं कोई नहीं, 50 का कर दिया फिर हमने, 1250 ग्राम 50 दे रहा हूँ भैया, खुले लेने हैं भैया, खुले लेने हैं ये, बाकी पैसे दे दो। लो जी धन्यवाद, कोयले वाले फेमस कोयले वाले हैं, हाँ जी कोला ले लो जी, यहाँ से कोला यहाँ मिलता है सहारनपुर राजहंस के बिल्कुल सामने अंडरग्राउंड जा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू वीरा, हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो खेल लो क्रिकेट भाई। आ रहा ऋषि, चलो जी क्रिकेट खेलने थोड़ा बहुत, आधा पौना घंटा। माता जी इधर देखो, ए मिठा थोड़ा घट पिया करो भाजी, तुसी मिठा बड़ा पींदे जे, आजी खेल के आके ओके नहीं, पर मिठा थोड़ा लाइट पिया कर देने, तेज नहीं पींदे। अरे वो ना मिठा खाया ना मैंने, अभी माता जी ने मिठी पंजीरी खाई है इसलिए आपको लग रहा है मीठा कम, नहीं हाँ हरिया मिर्चा मिक्स है, कट करो माता और फिर बाद चो होना हो ना, हाँ फिर गले की जलन होती मिर्ची ज्यादा खा के ना। तो गाइस हम खेल के आ चुके थे और जिधर पी रहे हम अपनी कॉफी और साथ में जी मठियां ते अंब दा चार दा मसाला। मैं कहा जी माता नाल कॉफी दा ही ओ कर लो, की कहंदे शेयर मतलब कॉफी पी लो दोनों, वरना तो हम चाय प्रेमी हैं ज्यादा, तो मैं कहा चलो कॉफी पी लेते हैं, कभी कभी कॉफी भी पी लेते हैं शाम को, और अभी रात का सेट नहीं हुआ क्या बनाना है तो देखते हैं, अभी बताएंगे आपको क्या बनना है। चेतन का तो उधर है प्रोग्राम फिट बनू के साथ मुर्गे का, तो हम तो भाई जी बिल्कुल दूर है, पहले हम भी खाते थे बहुत, पर अब जब से हम पिछले साल वृंदावन हो गए हैं तो हमने अंडा मुर्गा मेमाए मतलब सब छोड़ दिया है, नहीं खाना चाहिए, तो देखते हैं फिर हम सादा भोजन बनाएंगे मतलब दाल वगैरह। तो गाइस हमने रखी है डिनर में चने की दाल, क्योंकि चेतन जी तो उधर हैं और वो चने की दाल वैसे भी नहीं खाता, तो मैंने कहा क्यों ना हम ही चोखा मार ले और क्या, और इसके साथ में चावल लग रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता, बट अब सॉस एक और चावल अच्छे वाले ना जो थे वो थे इतने से बस, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिर ये मैंने ऊपर वो डाले खिचड़ी वाले, ये देखना ये आ गए बढ़िया वाले नीचे, अब चलो जैसे तैसे खा लेते हैं भाई, मिक्स कर लूँगा पता नहीं लगेंगे बोले वो खिचड़ी वाले हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं उसकी खिचड़ी, पानी कम डालेंगे तो वो इसके जैसे ही मिक्स होकर बढ़िया बन जाएंगे एकदम। और इधर चॉपिंग वगैरह भी हो चुकी है डन तड़के के लिए, तो अब इसे मैं वॉश कर लेता हूँ चावलों को, भिगने के लिए रख देता हूँ, स्नान वगैरह करा देते हैं उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं दाल शूल चोल शूल। तो गाइस दाल रेडी हो चुकी है और दाल की शक्ल अच्छी बनाने के चक्कर में ना अपनी शक्ल बिगड़ी है, देखो पसीनों पसीन हो गए, अब यही हाल होना है और क्या। और आज गाइस कैसा लग रहा हूँ देखो, एप्रन शुभरन पाया मैं, ये देखो चक्कू है भाजी, क्योंकि फिर छोटे छोटे पै जाते हैं कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैं करके पा लो कम से कम 1-1.5 साल बाद डाला होगा, मैंने डाले ही नहीं हुई टंगा बताया। और जी लो दाल चने की होगी रेडी, रोगनदार या धनिया दुनिया कसूरी मेथी हमने डाल दी, थोड़ी पतली हो गई है लेकिन अभी जैसे जैसे ये ठंडी होती रहेगी ना, हम इतनी गर्म तो हम वैसे भी नहीं खाते, भी थोड़ी ठंडी होगी तो अपने आप सेटलमेंट हो जाएगा इसका, गाढ़ापन आ जाएगा इसमें। और फुलकों की तैयारी कर रहे हैं हम, तवा रख दिया इधर, ठाकुर जी की दाल हमने निकाल दी, अब इसमें हम जीरे का छौंक मार के ठाकुर जी को भी भोग लगा देंगे परौंठी का दाल के साथ बढ़िया सी। तो गाइस डिनर बना चुका है, फुलका तो बात की बात है, फुलका नहीं आज हम दाल को छेड़ेंगे, आज फुलका नहीं छेड़ना मतलब खाएंगे अभी फुलका भी, पहले दाल के साथ खाएंगे चावल हम, मतलब आपको टेस्ट बता दें चावल कैसे बने हैं। यार लग तो सही रहे, बीच में वो मिक्स है ना है, थोड़े वो बीच हाँ पता नहीं चलता वैसे, ये अपना हले लड्डू बना लिया ना हत्ता नाल, नाल गंडा भाजी प्याज है, चावलों का खाने का मजा भाजी हाथ तो सही है, हम खा लेते हैं फटाफट, भूख लग रही बड़ी तेज आज, कुछ अगड़म शगड़म भी नहीं खाया, बस सुबह की खाई भी उसके बाद अपना मठी हुई खाई थी कॉफी के साथ, तो अब ये खा रहे हैं। मुंडा कुकड़ कमाल दा, ओए होए मुंडा कुकड़ कमाल दा, कुकड़ों को हाँ घर खाई नहीं, बनाया नहीं, हाँ बनाया नहीं, घर नहीं बनाया, कोला ले गया था तो वैसे
अच्छा कोला वो हम गिट्टी पे बनाना था, इन्होंने आज पर बनाया ही नहीं घर में। अच्छी बात क्या है, बाजार से खाया है और क्या? अच्छी बात घंटे की अच्छी बात है। अब कुकड़ू को नहीं बोलना है, ठीक है? पसीना आ गया है, अब मत खाया करो, गर्मी है, पसीना आता है, वैसे भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है भाई? हम तो यही कहते रहेंगे अपने व्लॉग में, नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? अब 11 बज चुके हैं, 11 बजे है, मसी घर बैठा हुआ था ये, अब आया मसी के घर से। वीडियो को हम करते हैं एंड, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, राम राम।